हेलो स्टूडेंट्स ऐम गोदे वेलकम टू माय सेशन इनके पाक टॉपिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 थर्ड सम पाक इन द गिवन फिगर एसी इक्वल टू एडी एंड सीबीडी इक्वल टू डीईसी ओके प्रूव द ट्रायंगल बीसीएफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईडीएफ नु एसीयू एडीयू साइड वंदु ईक्वल सोलिटांगा अदुक्कु अप्रम पाथिंगना सीबीडी अवंगा कुडुत्तिरुक्क आंगल पाथिंगना सीबीडी इंद आंगल बी अदावदु मिडिल इरुक्कदा दा नम्म आंगल वंदु नम्म मार्क पण्णिक्कणुम बी इदा दा मेंशन पण्णुदु मिडिल इरुक्कदा दा ओके सिल टाइम वंदु डायरेक्टावे बी आंगल डायरेक्टा डी ई आंगल कुडुत्तिरुपांगा इंद मारी 3 कॉम्बिनेशनला कुडुत्तिरुंदांगना मिडिल इरुक्क लेटर्स चूस पण्णुंग सो इदु वंदु आंगल बी इदा मेंशन पण्णुदु इल्ल आंगल ई इदा मेंशन पण्णुदु ओके सो इप्पो एन्ना प्रूव பண்ண சொல்லிருக்காங்கனா ட்ரையாங்கிள் BCF இந்த ட்ரையாங்கிளும் இந்த ட்ரையாங்கிளும் EDF இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் வந்து கான்க்ரூவன் னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க அதாவது ரெண்டும் வந்து सेम साइज अंड शेप अब प्रूव पड़ सुन ओके पाती कंडीशन फर्स्ट आंगल सीबीडी आंगल सीबीडी आंगल सीबीडी इज ईक्वल टू आंगल डीईसी कुछ वो गिवन एलिए कंडीशन फर्स्ट नम्बर एपोम एंत कंडीशन पाती आंगल वो रेडवल को ऐसा वो रेमेमें सेम बेस इत ट्रायंगल इप्लीटी नीचे इत रेमे सेम बेसा ओके अत पाती सेकंड वह पाती वर्टिकल ऑपोजिट आंगल्स ओके विओएन वर्टिकल ऑपोजिट आंगल्स पाती सेकंड कंडीशन पाती फर्स्ट वन इत सेकंड वन इत वो बीसीएफ बीसीएफ अत दिस इज इक्वल टू आंगल ईएफडी ईएफडी पाती वर्टिकली ऑपोजिट आंगल्स विओए ओके सो रे आंगलों वो इतमी क्रॉस वर्टिकल ऑपोजिट आंगल्स ओके रे आंगलों ट्रायंगल रे आंगि कैपिटो आटोमेटिका पाती आंगल ईक्वल ऐना आंगलों आंगल ईक्वल अदारंगल आंगल ईक्वल रिमेनिंग आंगल कंपा ईक्वल ट्रायंगल की रिमेनिंग आंगल ट्रायंगल के डी वो पार्ट वो रिमेनिंग आंगल डी वो कंप्लीट डी इत पार्ट मट वो ईडीएफ आंगल ओके नम अड कंडीशन पाती आंगल BCF BCF equal to स्टूडेंट्स इत बीएफसी इत बीएफसी वो वर्टिकल ऑपोजिट आंगल्स इत वो ईएफडी आंगल ओके नेक्स्ट आंगल मेंशन पड़े बीसीएफ अत आंगल मेंशन पड़े ईडीएफ आंगल ईडीएफ ओके रिमेनिंग आंगल्स इत वो पाती रिमेनिंग आंगल्स मस्ट बी ईक्वल ओके पाती मूणु कंडीशन नम्बर प्रूव पड़ो पाती मूणुमें आंगल पाती ट्रिपल ए ट्रायंगल बीसीएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईडीएफ हेंस वी प्रूव्ड फोर्थ सम इन द गिवन फिगर ट्रायंगल बीसीडी इज आइसोसेलस विद द बेस बीडी एंड आंगल बीएई कॉन्ग्रुएंट ईक्वल टू आंगल डीईए कुडुत्तिरुकांगा प्रूव दट एबी अदावदु एबी ईक्वल टू ईडी इत प्रूव पण्ण सोल्रांगा अदावदु इंद डिस्टेंस ईक्वल नु प्रूव पण्ण सोल्रांगा सो इतना डायग्राम पाती ट्रायंगल इत वो बीसीडी पेरे ट्रायंगल वो एसीई ओके ट्रायंगल पाती आइसोसेलस ट्रायंगल चलेंगे पाती बीसीयू सीडीयू ईक्वल साइड ईक्वल अब साइड ईक्वल ऑपोजिट आंगल्स वो ईक्वल ओके उन्होंने या बील आंगल अदके पाती सेम पॉइंट पॉइंट स्ट्रेट लाइन सी
डी लाइक ओके आंगल डि वो अदमारी एल आंगल बी वो अब याचिकला इलेना आपोसिट सैड्सुटे आपोसिट सैड्स ईक्वल आंगल्स वो आपोसिट आंगल्स ईक्वल ओके फर्स्ट वो कुछ कंडीशन एल आंगल वो बीए को आंगल बीएल टू अएई இந்த ஆங்கிள் சொல்லியிருக்காங்க இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிஇஏ இந்த ஆங்கிள் ஓகே ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல்னா அப்போ இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ எப்படி வேணால் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுனால அது கிவன் எடுத்துப்போம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏசி ஈக்குவல் டு ஏசி ஈக்குவல் டு ஈசின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏசி ஈக்குவல் டு ஈசி ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஆப்போசிட் சைட்ஸும் ஈக்குவல் ஓகே இஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தென் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிசி ஈக்குவல் டு டிசி அது வந்து அவங்களே கொடுத்தது தான் பிசி ஈக்குவல் டு டிசி வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா வந்து ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள்னு சொன்னதுனால இது வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் கிவன் ட்ரையாங்கிள் பிசிடி ஸோ அதனால் ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏசி அதாவது டயக்ராம் பாருங்கள் ஏசியிலிருந்து நம்ம பிசியை மைனஸ் பண்ணுவோம் அப்போ உங்களுக்கு ஏஇ வரும் அதே மாதிரி சிஇலிருந்து நம்ம சிடி மைனஸ் பண்ணால் டிஇ வரும் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ ஏசி மைனஸ் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு இசி மைனஸ் டிசி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏசி மைனஸ் பிசி என்ன வரும் உங்களுக்கு ஏபி வரும் அன்னைக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இடி வரும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஹென்ஸ் வி ஹென்ஸ் இட் இஸ் வெரிஃபைடு ஓகே சில்ட்ரன்ஸ் திருப்பி ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த டயக்ராமை ஒரு நல்லா பார்த்துங்க இப்போ வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறது இந்த ஆங்கிள் ஸோ இதோட ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சைடு இந்த ஆங்கிளும் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஆப்போசிட் சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஏசியிலிருந்து நம்ம பிசியை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து என்ன வரும் ஏபி கிடச்சிரும் அதே மாதிரி சிஇலிருந்து சிடியை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் இடி கிடச்சிருது ஓகே ஏன்னா ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால அதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த தியரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் மைனஸ் பண்ணோம்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு என்ன வரும் ஏபி ஈக்குவல் டு இடின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்